हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। में बात करेंगे हम बैंक निफ्टी के बारे में। कल हमारा मार्केट ओपन होने वाला है, तो कैसे कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, कहां पर आपको ट्रेड करना है, कहां पर आपको अवॉइड करना है, सब कुछ इस वीडियो में क्लियर हो जाएगा आप लोगों को। और उसके अकॉर्डिंग आप प्लान कर लेना अपना कल का दिन। मैंने कल की वीडियो में आपको डेली का, वीकली का सब कुछ एनालिसिस अच्छे से करके बताया है। अक्टूबर मंथ हमारा वैसे ही अच्छा रहता है, अगर हम पास्ट डाटा को देखते हैं तो उसके अकॉर्डिंग लगता है कि ये मंथ हमारा अच्छा कर सकता है। मार्केट ने अच्छा खासा नीचे से एक पुल बैक लिया है, मार्केट वापस ऊपर आया है, बाउंस किया है। बुल्स ने अच्छा मूव दिखाया, बियर्स ज़्यादा मार्केट को नीचे नहीं ले जा पाए, या फिर बोलें तो नीचे ले जाके कंट्रोल नहीं कर पाए। सबसे पहले आपके फ़ायदे की चीज़ वो है हमारा टेलीग्राम ग्रुप, जल्दी से जाके ज्वाइन करो। 906 मेंबर्स हैं, इधर आप ज्वाइन करोगे तो सबसे पहले आपको फ्री ट्रेड्स मिल जाएंगे दिन के 2 मिनिमम। उसके अलावा आपको सीखने को बहुत मिलेगा। यहाँ पर आप ये देख सकते हैं हमारे स्क्रीन शॉट, ये हमारे मेंबर्स के स्क्रीन शॉट है जिनको मैं पर्सनली ट्रेड देता हूँ पिछले 5 मंथ से, तो यहाँ पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन सबसे पहले मैं बोलूँगा कि फ्री टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करो, पहले पैसे बनाओ, उसके बाद मुझे ज्वाइन करो, ठीक है। कुछ सीखो समझो, देन मेरे पास आओ, तो फिर आपका अच्छा पैसा बन सकता है, ठीक है। ये सारे स्क्रीनशॉट हमारे मेंबर्स के हैं, ठीक है। तो जल्दी से ज्वाइन कर लो, आपका ही फायदा यहाँ पर है। लेवल्स वगैरह, चार्ट वगैरह, डायरेक्ट ट्रेड, इनडायरेक्ट ट्रेड, सब कुछ यहाँ पर देखने को मिलेगा। आप जल्दी से देख लेते हैं इंपॉर्टेंट लेवल्स जो हमारे लिए काम आने वाले हैं जब कल मार्केट ओपन होगा। जो चांसेस है वो है मार्केट हमारा गैप अप ओपन करेगा, तो उसके अकॉर्डिंग हम इसमें लेवल्स डिफाइन कर लेते हैं। निफ्टी का चार्ट काफ़ी अच्छा है एज़ कम्पेयर टू बैंक निफ्टी, लेकिन बैंक निफ्टी वालों के लिए भी तो कुछ बनाना पड़ेगा ना, उनको भी कुछ ट्रेड्स देनी पड़ेंगी। देखो मार्केट में एक ये सपोर्ट लेता हुआ आप देख सकते हैं कि ये ट्रेंड लाइन आ रही है, इस ट्रेंड लाइन को मार्क करके रखो 5 मिनट के चार्ट पे। पिछले 2 दिन से यहाँ पर सपोर्ट मिल रहा है मार्केट को, ठीक है, ये एक अच्छी बात है। दूसरा, अपसाइड में ये एक रेंज है, देखो पहले ये थी, ये एक ट्राइंगल फॉर्म हो रहा था, मार्केट इसके अंदर था, ब्रेकआउट किया, लेकिन वो ब्रेकआउट दोनों बार फेल हो गए, ठीक है। यहाँ पर अगर आप नोटिस करोगे तो ये रेंज निकलनी चाहिए कल के दिन, तब आप ट्रेड कर सकते हो। सकता है कि कल अभी हमें 364.50 ऑलमोस्ट हम यहाँ कहीं पे ओपन हो, अगर हम यहाँ कहीं पे ओपन होते हैं तो आपको देखना पड़ेगा कि क्या इस एरिया में हम सपोर्ट ले रहे हैं और वापस ऊपर जा रहे हैं, या फिर इसका ब्रेकडाउन करके वापस हम इस रेंज में आ रहे हैं, ठीक है। आपको ट्रेड कब नहीं करना है, आपको ट्रेड नहीं करना है इस एरिया के अंदर, ये आपका नो ट्रेड जोन रहने वाला है कल के दिन। अगर मार्केट इसके अंदर खुलता है तो आप ट्रेड नहीं करेंगे। डाउनसाइड की बात करें तो 44,320 ये ट्रेंड लाइन का भी ब्रेकडाउन आएगा, ये एक सपोर्ट एरिया है, इसका भी ब्रेकडाउन आएगा। तो जब 2 चीज़ों को तोड़ेगा मार्केट यानी कि बैंक निफ्टी, तो आपको अच्छी तेज़ी देखने को मिलेगी डाउनसाइड में। तो पहला टारगेट 280 से 250 जहां तक मार्केट आ सकता है, 250 नहीं तो 260 मानो। उसके बाद हमारा मार्केट आ सकता है 44,200 से लेके 180 एंड 160, ये लेवल्स आपके ओपन हो जाएंगे डाउनसाइड के। यानी कि अगर हमने इसको निकाल दिया इस ट्रेंड लाइन को, तो ये वाला पुट का एरिया आपका, ये वाला पुट का एरिया आपका, ये पुट का एरिया आपका, और उसके बाद ये है एक बड़ा गैप। तो मार्केट हो सकता है यहाँ पे सपोर्ट ले, या फिर हो सकता है इसका ब्रेकडाउन करके ये गैप की फिलिंग कर दे, ठीक है। चांसेस दोनों तरफ के देखने होते हैं, अगर नीचे आएगा तो क्या करना है, अपसाइड जाएगा तो क्या करना है। अगर अपसाइड निकलता है 500 के ऊपर तो आपके टारगेट बड़े हो जाएंगे ऑलमोस्ट 550, 600 और इसके ऊपर 650, ठीक है, इसके ऊपर भी टारगेट आपके ये दे रखे हैं, ठीक है। तो ये बड़े टारगेट आपको मिल सकते हैं अगर मार्केट हमारा यहाँ से निकलेगा, क्योंकि कंसोलिडेशन कर रहा है मार्केट। पिछले 2 दिन से मार्केट बहुत ऊपर नहीं गया है, कंसोलिडेशन कर करके ऊपर गया है। एक अच्छी तेज़ी मार्केट में देखने को नहीं मिली है, किसमें, निफ्टी बैंक में, जो तेज़ी आपको देखने को मिल सकती है आने वाले टाइम में। मैंने आप लोग को कल के दिन कुछ स्टॉक्स बताए थे, वीडियो जाके देख लेना, अगर अच्छा लगे, समझ में आए तो उसको भी लाइक कर देना, ठीक है। वीडियो देखना ज़रूरी इसलिए रहता है, देखो डायरेक्ट ट्रेड अगर आप करने आओगे तो आपको ना समझ में नहीं आएगा कि आप क्यों ले रहे हो, कैसे ले रहे हो। अगर आप ये वीडियो देख लिए, आपने लेवल समझ लिए, अब आपको पता है कि आप इसके ऊपर लोगे तो क्यों लोगे, इसके नीचे लोगे तो क्यों लोगे, कहाँ पर आपको नहीं लेना है, तो ये सारी चीज़ें समझने के लिए वीडियो देखना ज़रूरी हो जाता है, इसलिए वीडियो देखना चाहिए। बजाज फाइनेंस बहुत अच्छा परफॉर्म किया, देख लेना, बजाज फिनसर्व बहुत अच्छा परफॉर्म करा है, CDSL बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, डीमार्ट बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया है लास्ट वीक, और ये सारे स्टॉक्स मैंने आपको पहले से ही दे रखे हैं, ठीक है। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करो, चैनल सब्सक्राइब करो, टेलीग्राम को ज्वाइन करो, कमेंट सेक्शन में कुछ पूछना है पहले से पूछो, मैं उसका आंसर आपको करके दूंगा। थैंक यू सो मच, कल मिलते हैं सुबह प्री मार्केट वीडियो के साथ, एंड फिर मिलेंगे लाइव टेलीग्राम पर मार्केट के अंदर। और आपका पैसा बनेगा तभी जब आप ट्रस्ट कर पाएंगे, भरोसा दिखाएंगे तो आपका पैसा ज़रूर बनेगा। थैंक यू सो मच।